सुप्रभात, मैं दून की देवांगना आपके साथ एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नवरात्रि में जो हमारे स्टूडियो में देवियां पधार रही हैं हमारे देहरादून शहर में, अपने आप में बहुत अच्छा और लाउड काम कर रही हैं। एंड ये जो नेक्स्ट पर्सनालिटी जो हमें देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी राइट बिसाइड मी, शी हैज दैट एनर्जेटिक वाइब। और ये कहां कहां से नहीं होकर आई है। वो बोलते हैं जैसे कि कहीं ना कहीं अच्छा काम भी किया है, एंटरटेन भी किया है, लोगों को सब कुछ किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोएना इन द स्टूडियो। नमस्कार एवरीबॉडी, या नमस्कार, फाइनली वी मीट। कैसा लग रहा है देहरादून रेड एफएम स्टूडियो में आकर पहली बार? बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली योर एनर्जी। आप मेरी एनर्जी के बारे में बात कर रही हैं, आपकी एनर्जी इस रेड एफएम को हिला के रख रही है, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। यस, एब्सोल्युटली। एंड सबसे पहले नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी लव योर अटायर एंड यू आर वन ऑफ द यू नो द नाइन दीवास दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो मोइना, हर कोई आपको जानता है आपके काम के लिए, इतना खूबसूरत काम आप करते आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो टेल अस समथिंग, हाउ इज देहरादून ट्रीटिंग यू? देहरादून हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी वंडरफुली, एंड मुझे हमेशा देहरादून से पता नहीं क्या प्यार था। ऑलवेज आई ऑलवेज हैड दिस लव फॉर देहरादून। माई मासी स्टेज इन देहरादून, और मैं बहुत पहले लाइक बचपन में आई थी देहरादून, एंड आई यूज टू विजिट एवरी ईयर। आफ्टर दैट आई वॉज लाइक इन लव विद दिस प्लेस, तो हमेशा खिंची चली आती थी। और मासी को मैं हमेशा कहती थी, प्लीज फाइंड मी समवन फ्रॉम देहरादून टू गेट मैरिड टू। तो जब मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया, तो फर्स्ट थिंग आई गॉट अट्रैक्टेड टू, अच्छा देहरादून का लड़का है, ओके देन आई विल थिंक। अच्छा मोइना, टॉकिंग अबाउट योर करियर, आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे करियर की शुरुआत टेरेंस लुइस डांस अकेडमी से हुई थी। माई मदर हैड, आई मीन शी न्यू दैट आई लव टू डांस, एंड शी न्यू आई वॉज एन एक्सट्रीमली एनर्जेटिक चाइल्ड। एनर्जेटिक चिल्ड्रन का क्या होता है, वो गड़बड़ा भी जाते हैं, है ना? आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दिस वन। तो शी वॉज लाइक, शी हैज सो मच एनर्जी, माइट एज वेल पुट हर इनटू डांसिंग। शी पुट मी इनटू डांसिंग, एंड शी वॉज द वन जिन्होंने न्यूज पेपर में टेरेंस लुइस का एड पढ़ा कि फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है 3 साल की, एंड गो एन ऑडिशन। एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, मैंने प्रिपेयर किया, आई वेंट। बर्टविन डिसूजा, he was Terence's assistant at that point of time, अभी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर बन गए, he took my audition and I got accepted. तो वहां से एटलीस्ट मेरे डांस का करियर की शुरुआत हुई, बट ऑफकोर्स ऑन टेलीविजन इट वॉज डांस इंडिया डांस। फैंटास्टिक। एंड मतलब डांस तो ऑब्वियसली हमेशा से आपका पहला प्यार रहा ही है, बट वी हैव सीन यू ऑन टेलीविजन एज वेल, तो टेलीविजन और आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा ये बताओ। आई थिंक एक एक्टर में ना, सॉरी एक डांसर में एक एक्टर हमेशा छुपा ही रहता है वो, बिल्कुल, एस्पेशली जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं ना। सो व्हेन आई वाज अ किड आई रियली लव्ड पूजा भट्ट, ओके मैंने प्यार किया, नहीं मैंने प्यार किया नहीं थी, विच वन वाज दैट, विद आमिर खान, दिल है कि मानता नहीं, ओके तो दिल है कि मानता नहीं, मेरी तब की मतलब आई जस्ट लव पूजा भट्ट इन दैट फिल्म, पता नहीं क्यों, वो मतलब बिगड़ी बच्ची, ये वो, मैं कूद जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, यू नो शी यूज्ड टू से ऑल ऑफ दिस। फिर झलक दिखला जा में माधुरी मैम ने एक बार बाय मिस्टेक कह दिया था, शी सेड मोइना यू आर सच अ फैबुलस एक्टर, एंड आई वाज लाइक आई एम द कोरियोग्राफर ऑन दिस शो, एंड शी वाज लाइक ओह यस यस यस। So, you know, I was like, okay, fine. You know, अब माधुरी मैम ने कह दिया है, तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, सीरियसली यस लेट्स डू इट। यहाँ पर आपकी धमाकेदार वाली एंट्री हो गई, लाइफ में सारा धमाका चल रहा था, बट यू नो व्हाट, बीइंग अ गर्ल, तो आपको कहीं भी किसी तरीके के स्ट्रगल्स ऐसे फेस करने पड़े जहाँ पर आपको लगा होगा कि यार मे बी जेंटलमैन आर गिवन मच मोर प्रेफरेंस और समथिंग लाइक दैट? So yes, there was a time where I was actually only looking at movies. Because I felt like I wanted to do substantial roles, you know, roles that made a difference, that made a change in society, or I don't know, or
whatever. Like the kind of roles that I was getting offered and all, I didn't like because they're typecast according to your look, your color, and you know, this and that. So I was not very happy because I was like, ye kya hai? Matlab, you know, talent dekho na, aap matlab, aap ye kya dekh rahe ho? Like, you know, I was not very comfortable with that. In fact, once my mom also got like, she's like, bhai, tum decide karo, tum karna hai, nahi karna hai, kyunki tum, if you want to do movies, तो तुम्हें ये टाइप के सीन्स करने पड़ेंगे, यू नो. एंड आई वाज लाइक, यू नो, व्हेन शी सेड दैट, आई वाज लाइक, ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. आई कंप्लीटली डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाटएवर हूएवर डज. आई एम नॉट कंफर्टेबल. सो आई सेड ओके फाइन. सो आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर सीरियल्स बिकॉज़ आई वाज लाइक, ये मेरा कीड़ा, मुझे इसको सेटिस्फाई तो करना ही है, यू नो. सो आई वाज वेरी ग्लैड व्हेन आई गॉट ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज़ I mean, it was such an amazing like show, like because I instantly got like so much fame, very true, and glory. I was like, wow. So that was a game changer of your life. That was a game changer. Ye Rishta, of course, DID also was a big game changer. I became a household name. People knew me as Mohina because of DID. In Ye Rishta, people knew me as Kirti, but thankfully, due to DID and the work I had done before, people knew me as Kirti and Mohina. तो ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैंने पहले अपना नाम को रोशन किया, उसके बाद फिर उसके बाद कैरेक्टर नेम को किया वहां पर. ग्रेट. सो आपको एक्टिंग का कीड़ा तो है ही, लेकिन ये बताइए व्लॉग्स का कीड़ा कहाँ से चला? हाउ डज दिस हैपन, राइट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मैड पीपल ऑल टुगेदर. यस यस. द थिंग इज, लिली सिंह, सुपरवुमन. यस. सो सुपरवुमन मैं देखती थी एंड शी, I really, as I said na, like whatever I saw, I felt for, I went towards that. So mujhe Lily Singh bahut pasand thi because she was so real and she was like, I'm funny. I also used to you know, be very funny. I felt like when I was a kid, I used to make people laugh and faces banati thi and all that. But as you grew older na, people you realize that people kind of made fun of you in a way ke, are ये लड़की कैसी एक्टिंग कर रही है, ये कैसे फेसेस बना रही है, ये फनी क्यों बिहेव कर रही है. व्हेन आई सॉ लिली सिंह एंड आई सॉ हाउ कंफर्टेबली शी वाज डूइंग कॉमेडी एंड हाउ कंफर्टेबली शी वाज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, आई लव्ड इट. आई रियली लव्ड इट. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग यूट्यूब. यूट्यूब मुझे तब पसंद आया जब मैंने लिली सिंह को देखा. एंड तो मुझे लिली सिंह से वो हुआ. एंड व्हेन ऑफ कोर्स इन ये रिश्ता three of us met, Rishi, Gaurav and me. Mostly Rishi and I, I wanted a channel and somehow he and I spoke about it and he's like, I also want a channel. So chalo saath banate hain. And then Gaurav hamara friend tha hi, humne bola chalo tum bhi aa jao. Usne bola theek hai. To acha abhi next aapke vlogs wagera aap aaye, you know you are lot into dancing and all, aapke videos hame dekhne ko milti rehti hain, but will you ever get back to vlogs if given a chance? I am doing vlogs, but ye hai ki now I'm doing a lot of, wahi hamari baat ho rahi thi. Yes. I'm doing a lot of philanthropic work, a lot of work for society and I'm a lot into spirituality right now. So jo mera shift ho chuka tha even while like Remora and all was going on, Ye Rishta was going on, I realized that even though I'm becoming so famous, I was, to be very honest, I was not very happy and like personally and I was always questioning ki bhai अब तो सब मिल गया, अब क्या? Why am I still unhappy? You know that घर आते ही you would feel like this low, you know, you'd be like, why? Break लेके ये रिश्ता से I went for Vipassana 10 days. In fact, 10 days का leave नहीं मिलता था हमें. But then I told my producer Rajan ji, he's an amazing man. I told him, I said, I'm you know, I'm not very happy. I'm a little disturbed in my life. That I'm very confused. कि, you know, जो चीजें आप, you know, aspire कर रहे थे पाने के लिए, आपको सब मिल गया, फिर भी आप क्यों ना खुश हो? That's when my journey began to know myself. कि what, who am I exactly? In fact, so this process जब ये हुआ ना, I did the Vipassana. So in that, they said that the only thing you should be is true. You should be true to yourself. You should know yourself. So what keeps me going is my breath. The reason, the fact that I'm breathing, I'm alive right now.
that really keeps me going, because I'm like, thank you, you know, thank you God for giving me breath. Mm-hmm. The most basic thing, you know, हम इतनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं बट हम सबसे बेसिक चीजें भूल जाते हैं, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट इट एंड इट, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू रीच अ पॉइंट एंड यू जस्ट गो लाइक ओके छोड़ सब कुछ साइड कर दो, सब मोह माया है, एक ये है, सब आजकल बड़े मजाक में कह देते हैं बट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. सो इसने मतलब पूरी आपकी लाइफ, आपका थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज कर दिया, राइट? एंड देन उसके बाद दिस मैरिज थिंग हैपेंड विद यू, यस, राइट? तो आपने मतलब व्हेन आई मेट सॉ माय हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही लुक लाइक बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो आई एम लाइक हां मैं तो इनसे ही करूंगी. If you're listening, you are the lucky man out there. Great, great. So आपकी compatibility, माशाल्लाह, touchwood, बहुत बहुत खूबसूरत है. जब भी हम आप दोनों को देखते हैं, सारी चीजें रहती हैं वहाँ पर. So do you ever miss this life that you know the complete जो आपका था पूरा एक ऑरा, जो टेलीविजन एक्ट्रेस के तौर पे आप, और अब आप यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की बेटी बन चुकी हैं. Do you actually miss that thing? Okay, so to be very honest, I don't miss it. I cherish it. I cherish the memories. जो मेरी memories हैं, I cherish it. The good things I have done, I cherish them. The bad things I have done, I cherish them. Because I learned from them. Because they make me who I am today. Because now, if somebody is doing something wrong, I can go tell them that, देखो, you are lost. Everyone will tell you you're bad, you're wrong, you're a pathetic person, but don't think that. You are just lost. And please don't be guilty. Find yourself. Do your karma, do your duty, you will be fine. So this is what I tell myself. But I don't know the way. Exactly. So that is what I wanted to know, because see, एकदम entertainment zone से जाकर आप एक political background में कहीं ना कहीं उस family में आ चुके हो. So how is it kind of difficult, or you're still trying to get into it? Political family में तो मैं हमेशा ही थी, because my brother, my father was a ex-minister. Yes, yes. My grandmother, she was fighting elections. My grandfather was in Congress. My grandmother was in BJP. My father was in Congress. My brothers in BJP. तो political family तो हमेशा ही रही है. Spiritual family is what I have entered right now. Okay. So the political part of this family, because Maharaji, Satpal Maharaji, my father-in-law, he's a spiritual man and he's also a political man. But I feel like somebody who is spiritual and truly spiritual, and I know that Maharaji is truly spiritual. He's a very nice man. As opposed to a lot of people, you know, might find ke chalo kuch to karte hain unko down karne ke liye. I'm sure wo karte hi hain. But I know he's a very good man, and he's constantly, jab bhi hum, oof, like I can't tell you, he's constantly like, yahan pe Dehradun mein ye ho jana chahiye, Uttarakhand mein ye ho jana chahiye, aise ye auraton ke liye ye ho jana chahiye, bachchon ke liye ye ho jana. He's constantly full of ideas. Wow. But I feel I feel like he needs our support. He needs everybody to like support him right now, because it's a completely new world. Exactly. And you know, with his vision, if we actually listen to his vision and go ahead with it, a lot can change and a lot of good things can happen. But theek hai, jaise bhi jitne bhi aapke ups and downs rahe hain, so any message that you would like to give to all the girls out there, to all the ladies, because unki family mein bhi kahin na kahin cheeze नीचे हो जाती हैं, या वो अपनी लाइफ में एकदम खुल के नहीं जी पाती, या दे आर नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स, राइट? सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम? आई फील वुमेन हैव सो मच पावर विद इन देम एंड दे आर सो अंडर एस्टिमेटेड, इट्स नॉट इवन फनी. बट एक तरह का एंगर आ गया है वुमेन में, विच इज आई फील इट्स जस्टिफाइड for all the oppression they have been through, gone through. But I feel like women also need to find some balance and try to understand ki man hating is not going to do anything. Woman hating is the most troublesome thing I feel about women. Women hate women. which agar aurat hi aurat ki dushman ban jaye, to aap already you have lost. Please be aware. आप अवेयर हो जाओ वुमेन, प्लीज अवेयर हो जाओ कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आप बुद्धू हो,
प्लीज डोंट बिकम बुद्धू. यू नो व्हाट आई मीन, आप बुद्धू नहीं हो. आपको ये बोला जा रहा है और आपके दिमाग में ये फिट किया जा रहा है कि आप बुद्धू हो, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा. आप You're not good. You're good for nothing. ये सब जो चीजें आपको बताई जा रही है ये गलत है. आप अपने पेन को लेके किसी और पे थोपोगे तो वो पेन आपके पास वापस आएगा. So please be understanding towards all human beings, all animals, everything. मुझे लगता है इस वर्ल्ड में ना बैलेंस मिसिंग है. तो there is a reason why there is a man and a woman. They both have very different characteristics and they are both together very powerful. लेकिन हमने एक को दबा दिया है, दूसरे को ऊपर कर दिया है, तो दूसरा भी सफर कर रहा है और नीचे वाला भी सफर कर रहा है. अगर हम दोनों को थोड़ा साथ ले आए और थोड़ी रिस्पेक्ट दे एक दूसरे को, I think बहुत कुछ चेंज हो सकता है. So you just need to feel for each other. That is so beautiful. I mean, मैं पहली बार ऐसा feel कर रही हूँ that I am just listening to Moina यहाँ पर and I'm quiet. Being in RJ, I'm so sorry. I so love it because so much of information, so much of beautiful thought process that you have, Moina, out here. That was really nice. And in Navratri के time पर ये जो womanhood वाला vibe यहाँ पर दिया है is divine. So I am really loving it. आपको कैसा लगा? How was it? You know, the interactive session that we had today. I always love to hear your voice. In fact, I see your Instagram also a lot of times. I like also. Yes. मतलब मैं Instagram नहीं देखती हूँ आजकल इतना, but आपको जरूर देख लेती हूँ. That's so sweet. You're great, you're fun, you're amazing. And आप जो कह रहे हैं ना कि next पटाखा क्या फूटने वाला है, next पटाखा मेरा फूटने वाला है कि मैं Red FM 93.5 पर देवांगना के साथ आने वाली हूँ. पटाखा तो ऑब्वियसली यहाँ पर फूट ही चुका है और ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. सो आई एम डेफिनेटली थिंकिंग कि हम लोग को भी एक वीलॉग साथ में मिलके डेफिनेटली. माय गॉड प्लीज. यस, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर, राइट? यस. इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू मोइना एंड सेलिब्रेटिंग वुमनहुड यहाँ पर नवरात्रि के टाइम पे. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड मोर पावर टू यू आउट देयर. थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू एंड एवरीबॉडी, ऑल द लिसनर्स, अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. थैंक यू.